अभी ने भाकम भाकानी मतलब इलेक्शन में कभी भाई परेशानी होती है और भाई इलेक्शन जीतने के बाद कार्यकर्ताओं के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए, देश को बनाने के लिए, हरियाणा को बनाने के लिए, गोहाणा को बनाने के लिए जिस जोश के साथ आप लोग पहुंचे हैं, ऐसे ऐसे पुराने साथी आज मिले हैं, मैं गदगद हो गया। उन सभी साथियों की सेहत भी इतनी अच्छी है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे 1996 में जो गाड़ी पार उतारी थी, उन साथियों ने आज भी न्यू का न्यू जोश उनके अंदर बरकरार है। आज आपके पास इतनी ताकतें, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, नायब सैनी जी, मोहन बड़ौली जी, सारी मनोहरलाल खट्टर जी, सारी ताकतें आपके साथ जुड़ करके आप कितने ताकतवर हो गए हो ये सोच सकते हैं। लेकिन इस ताकत के साथ साथ हमने बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारी संभाल रखनी है। इलेक्शन जीता तभी जाता है जब एक कार्यकर्ता, एक साथी, मैं भी कार्यकर्ता हूं आपके साथ साथ, जब एक साथी जुड़ करके समझदारी से आसपास देख करके, इधर भी आगे भी पीछे भी समझ करके, कौन क्या कार्रवाई कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, उन सब बातों को ध्यान रख करके हमें आगे बढ़ना है। और चीजों में मजबूती के साथ मैं दावे से कहता हूं, लोगों को समझ में आ गया, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जब पीछे संसद का चुनाव हुआ तो क्या हुआ था, कांग्रेस ने कितना बड़ा झूठ फैलाया, आपको याद होगा। सोनीपत की सीट भी हमारी बिल्कुल आई सीट चली गई, क्यों कि इतना भ्रम फैला रखा था कि संविधान बदल देंगे। गरीब आदमी के दिमाग में ही आया कि भाई पता नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ गई, लेकिन सारा झूठ था। एक ऐसा झूठ था जो आपने आप देख भी लिया होगा कि उनका झूठ, फिर भी उस झूठ के सारे भी वो 99 पार नहीं कर पाए, पूरे देश में 99 पार नहीं कर पाए उस झूठ के सारे भी। और एक और बड़ा झूठ था कि हर महीने 8500 रुपए खातों में आएंगे, याद है, आए भाई कितने खातों में, वो ढूंढते आते हैं उन्हें जहां जहां भी इनकी सरकार है, भाई कौन से 8500 रुपए मिलेंगे। एक और बात कहूंगा शॉर्ट में, एक बात और बताओ ध्यान से, 2014 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री कौन रहा, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहा 2004 से 14 तक, याद आपको, याद होगा 2004 में कितनी सीट आई थी और 2014 में आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया आपने 2014 में, क्यों इनको नकार दिया, आप सोच के देखो। आपने इसलिए नकारा था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, याद आपको, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन चीजों को करते हुए आपने नकार दिया था गुंडागर्दी और जाति पाति की राजनीति जो करते थे, उन चीजों को देखते हुए आपने इनको 2014 में नकार करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, याद आपको। और अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई अब कौन सा बदलाव हो गया, अरे भाई वो घोड़े वही मैदान वही लोग हैं, 2014 में जो लोग थे वही लोग, यूं के यूं, क्या उनमें कोई बदलाव है, क्या उनमें कोई बदलाव हो गया, क्या कोई चेंज हो गया, वो कहते हैं हमारे को दोबारा से मौका दो, वो कहते हैं जो
चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नजर, यूं के यूं लोग हैं वो यूं के यूं, वही भ्रष्टाचारी, वही परिवारवाद की बात। इस बात को हमें बहुत गहराई से सोचना है, जब वही लोग जिनको आपने नकार दिया था, क्या वो भाई कुछ और ओढ़ना उड़ करके आ जाएंगे तो पिछाड़ में नहीं आएंगे? इस बात को भी हमने गहराई से देखना है। बिल्कुल नहीं, उन लोगों से सावधान रहना है। और भरम किसी तरह का भी भरम फैला सकते हैं, वो एक ही भरम और फैला रखे इन दोनों जिलों में, रोहतक और सोनीपत में, कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं लिख करके दे सकता हूं, मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट के चुनाव में भी कहा कि भाई बिल्कुल कितने रगड़े खा लो, ये दोबारा से मुख्यमंत्री बना नहीं करते। तीसरी बार अगर सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, आप लोगों की सरकार आएगी, और जोश के साथ सरकार आएगी जिसमें आपका भी हिस्सा होगा। जहां तक गोहाना की बात है, मैं बहुत लंबे समय से, जब मैं 1996 में एमपी बना था, हमने एक आवाज उठाई थी, आपको याद होगा जो बुजुर्ग बैठे हैं, भाई गोहाना में शुगर मिल लेकर के आएंगे। गोहाना में हमने आवाज उठाई, शुरुआत हुई बंसीलाल की सरकार थी, उसके बाद चौटाला की सरकार, लेकिन हमने इतनी जबरदस्त आवाज उठाई थी कि शुगर मिल लगा। अब एक और आवाज मैं उठा रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग मजबूती से अड़े रहे, आने वाले समय में गोहाना को जिला बनवाएंगे। आने वाले समय में सबसे बड़ी मांग गोहाना की जो है, सबसे बड़ी मांग जनता की कि गोहाना जिला बनना चाहिए, इस मांग को लेकर के हम चलेंगे। और भाई जितनी भी योजनाएं आपके सामने, केंद्र सरकार की योजना, हरियाणा सरकार की योजना, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे ऐसे काम मोदी जी की सरकार में हुए। आप देखो धारा 370-35 से राम मंदिर, 3 तलाक, कितने बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, कितने बड़े बड़े काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। और आज आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड कम से कम 60 करोड़ लोगों से भी ज्यादा का आयुष्मान कार्ड देश के अंदर बन चुका है। 5 लाख रुपए की गारंटी, बहुत सारी, 3,000 रुपए पेंशन, हर चीज आप देखेंगे, हर चीज आपको, जो गरीब से गरीब का जो हक है, किसी भी जाति से है गरीब, वो उसका हक मिलेगा। गरीबों के लिए प्लाट की व्यवस्था, 100-100 गज के प्लॉट, सारी बातें आपको खोल करके सब बातें पता है। और मैं कहूंगा कि सब मिलकर के, कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, और कहीं भी कोई बात रह रही है तो उसको सब मिलकर के उसको पूरी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, कोई बातें चल रही है कि भाई भार का बहुत सारी बातें, हमारे प्रभारी जी एमएलए साहब हैं, देखो भाई सारे लोग बैठे साथी हैं, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, आप जितने भी बैठे हो अगर एक एक चेन शुरू से अगर हम लगाने लग जाएंगे तो सारे एक दूसरे के रिश्तेदार निकल आएंगे, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार, कोई किसी जाति से। और एक और चीज, अरे भाई कोई किसी का भाई में रखे, किसी की बहन में रखे, किसी का परिवार यहां है, अब मान ले को गुहाने का साथी दिल्ली में रहने लग जाए तो दिल्ली का नहीं, वो गुहाने का ही। तो मेरे बुजुर्गो साथियों, ये बाहर का किसको माना जाता है, जो हरियाणा के बाहर का, हरियाणा के जो बाहर का वो बाहर का है, जो हरियाणा का है भाई, पार्टी जिम्मेवारी लगाती है, सब आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, और सब मिलकर के, हम सेवक हैं, हमने जिंदगी में सेवा की है, हम 4 बार सांसद रहे, हमने कभी अपने आप को सांसद नहीं समझा, हमने अपने आप को सेवक समझा। और फिर से वही वादा दोहराता हूं मैं, 1996 में चले थे,
वही डॉक्टर अरविंद शर्मा है आपका सेवक बन करके आपके बीच में रहेगा और बिल्कुल आपकी सेवा करेगा। और भाई एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, हमने ध्रुव तक में भी परमानेंट घर ले लिया था, सेक्टर 3 में अब भी है और गोहाना में भी। मैं वायदा करता हूँ आप लोग मौका दें, मजबूती के साथ जुड़ करके मौका दें और भाई परमानेंट गोहाना में रहेंगे, गोहाना से बाहर भी आपकी सेवा करेंगे। किसी गांव में, शहर में, किसी गांव में कोई कमी है उन सबको हम दूर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से गोहाना के विकास में 4 चांद लगाएंगे, जिसमें आपका सहयोग, आपकी बात जरूरी है। भाई हमारे नायब सैनी जी, आपके अपने चहेते, आपके अपने बेटे, आपने देखा कि कितना टॉप का मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, जो 24 घंटे जिसके घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को मिला नायब सैनी जी के रूप में, ऐसा हमारा अध्यक्ष मिला है और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, आपने देखा 24 घंटे आप लोगों की सेवा में लगे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए और बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है और भाई भ्रष्टाचार का नाम कांग्रेस पार्टी। सारी चीजों को समझ करके अब आप देखो हरियाणा में आप पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया। अरे जिसके नेता जेल में पड़े हुए हैं, जिसके नेता जेल में पड़े हुए हैं और उन दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया और जिस पार्टी के कभी भी जेल में जा सकते हैं, ऐसी दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है। इन चीजों को भी समझना चाहिए आपने कि क्यों गठबंधन, भ्रष्टाचारी लोग क्यों गठबंधन कर रहे हैं, लूट खसोट के लिए, और उनका कोई मकसद नहीं है। वही लूट खसोट जो पहले थी वही इन्होंने आगे करनी है और कोई मकसद विकास से नहीं है। वही जाति पाति का जहर फैलाना है, वही परिवारवाद का जहर फैलाना है, इससे दूर निकल नहीं सकते। और आपने देखा, आप देखो इस सरकार में, 10 साल की सरकार में लाखों लाखों नौकरियां लगी, कितनी पारदर्शिता रही उन नौकरियों में। आप उनसे पूछो जाकर के, उन लाखों घरों में जाकर के पूछो कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या उनको नौकरी मिलती, क्या उन परिवारों को नौकरी मिलती जिनको नौकरी मिली है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। मैं एक और कहना चाहता हूं, ये लोगों को बहकाने का ये काम करते हैं, ये हमने वहां भी इलेक्शन में देखा, कोई भी नौजवान इनके पास जाता है, सिर्फ इनके पास एक ही गुरु मंत्र है कि भाई इसकी छाती नाप लो, इसका कद नाप लो और भाई नौकरी तेरी धरी है भाई, मारी आ जाएगी तो। लेकिन भाई बिल्कुल झूठ है ये, सिवाय अपने आदमियों के कहीं बाहर नहीं निकल सकते। आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फिर से कहूंगा कि हमारे जो अपने जिला अध्यक्ष है दोदवा जी, वो भी मीटिंग में है, एक हमारे संघ की मीटिंग चली है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, हमारी बहनें आ रही थी, ये भी प्रवासी प्रभारी थी हमारी बहनें जो गुजरात से आई हुई थी, हमारे एमएलए साहब जो है उत्तराखंड से ही हमारे प्रवासी प्रभारी हैं, सभी पार्टी के सब साथी को ऐसी बात नहीं, सबके सब साथी मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे